दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक पार्ट टू आपके लिए, यहाँ से आप किसी भी चीज़ का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाएंगे, आपको बड़ा पसंद आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट टू में उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में बड़ी आसानी मिलेगी, और बहुत सारे चैप्टर्स आप जानते हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट का ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में। दोस्तों इसमें क्या है हमारे पास में कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन एलिमेंट्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमारा 3D सीरीज होता है। 3D सीरीज का मतलब क्या है दोस्तों, आप जानते हैं इस बात को, 3D सीरीज का मतलब होता है कि जो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 20 से लेकर 30 तक, तो हमने इसकी एक जुगाड़ बना रखी होती है। दिस इज शक्ति वक्र मनफी कोनी कुजन, हम इस तरह से इस बच्चों को याद करा देते हैं। इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग शक्ति। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वो बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो शक्ति वक्र मन फी कोनी कुजन। तो हम तो समझते हैं कि डायरेक्टली बच्चे को याद करना चाहिए, ना कि इस पर कोई नाम या कोई ऐसी चीज़ बनाए। जैसे शक्ति वक्र मन फी कोनी कुजन, इसे 10-15 बार आप बोले मन में, शक्ति वक्र मन फी कोनी कुजन। 10 एलिमेंट है तो 10ों को ऐसे आदत होनी चाहिए, शक्ति वक्र मन फी कोनी कुजन, शक्ति वक्र मन फी कोनी कुजन। इवन आपको एटॉमिक नंबर देखने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें से जो क्रोमियम होता है वो तो आप जानते हैं स्पेशल होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आप जानते हैं वो 3D5 4S1 आता है। आर्गन हम पहले ले रहे हैं, और हमारी आदत है कि हम 4S को बाद में लिखते हैं, भरते 4S को पहले ही है, जैसे कि दुनिया भरती है आबा रूल के हिसाब से, आप जानते हैं 4S को पहले भरा जाता है। और कॉपर को हम आप जानते हैं ये भी एक एक्सेप्शन होता है, दिस इज आर्गन 3D10 4S1। बाकी में आपको ये तो पहले से ही याद होते हैं, हर बच्चे को याद होता है, इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं। अब स्कैंडियम 21 जो है हमारे पास में, इसका आज के बाद में आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उंगली पे, आर्गन 3D1 4S2। अब D1 को अपनी आंखों के सामने एक्सपेंड कीजिए तो आप देखेंगे एक अनपेयर्ड आ गया। तो टाइटेनियम 22 हो गया, और 22 आपके हिसाब से क्या आएगा, जैसे 3D2 4S2, तो 2 अनपेयर्ड आ जाएंगे। वेनेडियम हमारे हिसाब से क्या आएगा, जैसे 3D3 आर्गन साइलेंट है तो 3 अनपेयर्ड आ गए। क्रोमियम हमें याद है कि 5 और 1 6 अनपेयर्ड होते हैं। मैग्नीज 5वें नंबर पे, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, 3D5 4S2, 5 अनपेयर्ड आ गए। आयरन में दोबारा से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप समझते होंगे 3D6 4S2, D6 जब आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अनपेयर्ड आ जाएंगे। इस तरह से आप किसी में भी अनपेयर्ड निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में। अब मान लो आपसे किसी ने कहा कि आप Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आपसे किसी ने कहा, तो Mn+2 अब आप उंगली पे गिनिए, शक्ति वक्र मन 5वें नंबर पे आता है, तो इसमें से क्या करिए, पहले Mn बनाइए अपने मन में या हवा में बनाना होता है 3D5 4S2, और इलेक्ट्रॉन इधर से निकालना शुरू किए, इसलिए हमने 4S को बाद में लिखा था। तो ये Mn+2 में जो आएगा आपके पास में वो आएगा आर्गन 3D5 4S0, और सर्टेनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे। किसी ने कहा आपसे Cb+3 है हमारे पास में, बताइए कैसे बनाएंगे, तो आपने कहा शक्ति वक्र मन फी को 7वें नंबर पे, तो सर्टेनली 3D7 4S2, ये तो कोबाल्ट का बनेगा। आपको एटॉमिक नंबर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 3 निकाल दीजिए, 2 ऐसे और 1 यहाँ से, वापिस से निकालिए तो जैसे 3D6 4S0, और D6 आप जानते हैं 5 भरने के बाद में फिर 1 में पेयरिंग हो जाएगी, तो अनपेयर्ड मिला के 4 आ जाएंगे। आपको बहुत सारे उसमें अनपेयर्ड कुछ एन से डिनोट करते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। एक और चीज़ दोस्तों आपको मैं आपको याद दिलाऊँ कि जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं μ=√Nn+1 Bm, n+2। तो जैसे हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आता है तो ये √3 आ जाता है, और √3 1.732 होता है। तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल ना करें, अगर n आ जाए 2 तो 2 की वैल्यू आएगी 2.8 Bm के आसपास, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। n अगर 3 आ जाए तो ये 3.85 के आसपास इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। n अगर 4 आ जाए तो ये 4.9 Bm के आसपास आएगा। n अगर 5 आ जाए तो ये 5.92 या 94 Bm के आसपास आएगा। ये कोई वैल्यू नहीं रखती कि इसके बाद की क्या डिजिट आती है।
अब देखिए कितना आसान हो गया, मैं एक 30 सेकंड का एक्सटेंशन आपसे लूंगा। किसी ने कहा कि मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में किसी भी एलिमेंट के लिए कहा वो 4.9 bm है, तो आप समझ गए कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार है। दोस्तों आप लोग फॉर्मूला लगाते होंगे, अब सीधा किसी का 3.84 bm मैग्नेटिक मोमेंट है तो आप समझ जाइए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थीन है। किसी का आपसे 5.92 bm है, 5.93 भी हो सकता है, 5.89 भी, ये वाली वैल्यू माइन करती है, N5 हो गया। बड़ी आसानी से बिना किसी फॉर्मूले के आप लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आई होप आप ये समझ पा रहे हो।